जावा विद ब्लूजे के इस वीडियो सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम कुछ इस तरह से रहेगा, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द इंटर ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। मतलब यूजर से हम लोग एक ईयर लेंगे और ये चेक करना हम लोगों को कि वो जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं है। देखिए किस किस कंडीशन में कोई ईयर लीप ईयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ए ईयर इज ए लीप ईयर ओनली इफ इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। मतलब कोई ईयर जो है अगर 4 से डिविजिबल होता है तो वो ईयर लीप ईयर होता है। ठीक है। ए ईयर इज ए नॉट ए लीप ईयर इफ इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 100 एंड नॉट डिविजिबल बाय 400। इसका मतलब है कि अगर कोई ईयर है उसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 4 से डिविजिबल हो जाता है और 100 से भी डिविजिबल हो जा रहा है मगर 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा, वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है। बस आपको ये समझना है कि सिर्फ 4 से डिवाइड होने से ही लीप ईयर होता है। अगर ऐसा हम लोग प्रोग्राम बना दिए तो वो गलत होगा, हम लोगों को उसके साथ में और भी कंडीशन देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम दे देते हैं माई सी एल एस और उसके बाद ओके कर देते हैं। फिर इसको राइट क्लिक करके ओपन एडिटर में हम लोग इसको ओपन करेंगे और देन यहाँ पे जो कमेंट्स वगैरह है इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये सारा चीज़ जो है इसको भी हम लोग हटा देते हैं जो फंक्शन वगैरह था। अब यहाँ पे क्या है कि यूजर से हम लोग वैल्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, आप स्कैनर भी लिख सकते हैं या फिर आप ऑल लिख दीजिए। ये स्टार जो होगी इसका मतलब ऑल होता है। ठीक है ना, सब सेलेक्ट करेगा वो। अंदर में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर इसके अंदर में स्ट्रिंग ए आर जी एस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं, स्कैनर एस सी ए एन एन ई आर स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नाम मैं ओबीजे दे रहा हूँ, इक्वल टू फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना होता है न्यू, फिर स्कैनर एस सी ए एन एन ई आर स्कैनर, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट इन और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे ईयर नाम का, ठीक है, जिसमें हम लोग ईयर लेंगे। ठीक है ना। और अब ये यूजर से हम लोग इनपुट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे में मैं लिखूंगा ईयर इक्वल टू ओ बी जे डॉट नेक्स्ट आई एन टी ब्रैकेट ओपन क्लोज। और एक चीज है, यहाँ पे जो भी बंदा ईयर देगा तो उससे हम लोग कहना चाहेंगे ना कि भैया आप एक ईयर इंटर करिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे और ये मैसेज छोड़ेंगे यूज़र के लिए इंटर ए ईयर, तो वो ये देख के ही ईयर इंटर करेगा। ठीक है। अब ईयर तो आ गया, हम लोग ईयर ले लिए, अब इसको चेक करवाना है तो उसके लिए हम लोग इफ कंडीशन यूज करेंगे और इफ के अंदर में हम लोग कहेंगे कि जो ईयर हम लोगों को मिला है, ठीक है, और फिर मॉडुलस 400, मॉडुलस 400 मतलब क्या होगा, जब इस ईयर को 400 से डिवाइड किया जाएगा, अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है, अगर ये पूरा डिविजिबल है, दैट मीन्स अगर ये ईयर 400 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा वो जीरो होगा। और आप सबको पता होगा कि मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, दैट मीन्स जीरो इक्वल टू जीरो होगा, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तब ये काम करेगा। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ अंदर में, पहला कंडीशन हमारा ट्रू कब होगा, जब ईयर 4000 से डिविजिबल होगा। फिर हम लोगों ने कहा और, यहाँ पे हम लोगों ने कहा और
ठीक है, ये और साइन है, और ईयर, ईयर मॉडलस, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग ऐसे करके, यहाँ पे ब्रैकेट, मॉडलस 100 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि 100 से डिवाइड नहीं होगा, फुल्ली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, जीरो, एंड और साथ ही साथ एंड ईयर जो होगा वो 400 से डिविजिबल होगा, 400 से डिविजिबल होगा, सॉरी 400 में बोल रहा हूँ, 4 से डिविजिबल, ईयर मॉडलस 4 इक्वल टू इक्वल टू जीरो। अब इस बात को यहाँ समझिए, पहला यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 400 से डिविजिबल होगा और 100 से नॉट डिविजिबल होगा, और यहाँ पे बोल रहा है एंड वो 4 से डिविजिबल होगा, ऐसा कंडीशन सब सेटिस्फाई होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो ईयर जो है वो आपका लीप ईयर है, जो ईयर है वो आपका कैसा ईयर है, वो आपका लीप ईयर है। तो बस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो ईयर रहेगा उसको भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, वेरिएबल का नाम क्या है, ईयर है, और उसके साथ में यहाँ पे जो स्ट्रिंग आप उसके साथ जोड़ना चाहते हैं वो लिख दीजिए, ईयर इज लीप ईयर, ठीक है। और उसके बाद एल्स वाला पार्ट है, अगर ये सारा कंडीशन हम लोग का नहीं सेटिस्फाई करता है तो एल्स वाला पार्ट में सेम चीज ही हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, बस वहाँ पे नॉट हम लोग ऐड कर देंगे, ईयर इज नॉट लीप ईयर, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ कंपाइल करते, देखिए कंपाइल किया हम लोगों ने, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। अब हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे और इसको रन करते हैं, और फिर ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक ईयर मांग रहा है हम लोगों से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2000, देखिए 2000 एक लीप ईयर था, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक लीप ईयर है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे और एक ईयर डाल रहा हूँ 1700, मतलब ये डाल रहा हूँ, तो देखिए ये लीप ईयर नहीं है। तो देखिए हम लोगों ने कहा है वहाँ पे ये 4 से डिविजिबल है, ये 400 से डिविजिबल है, लेकिन ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। बस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो आज का प्रोग्राम था वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।